हर्ष सांगी मेरे दास। यस हर्षा, exactly you are seeing Harsh Sanghvi right now, it's been more than 2 hours Harsh Sanghvi has been doing continuously road show. Harsh sir, ye jo road show hai 2 ghante ho gaye, aap ghar se nikle pura yahan pe Surat ki sadkon par gaye, supporters se mile, followers se mile, ye badi jeet kis aur ishara kar rahi hai? 2024 ka semi final hai ye. People of Gujarat and BJP has created a new history aur ye itihas pyar ka hai, ye itihas vishwas ka hai, ये इतिहास दोनों के बीच के संबंधों का है। पिछले 27 साल से चल रहा यह संबंध आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर आया है। ये इतिहास आने वाले 5 सालों तक गुजरात के कोने कोने के विकास का है। ये इतिहास हम लोग ने नफरत के सामने प्यार की राजनीति का है। ये इतिहास गुजरात तोड़ने वालों के सामने गुजरात की जनता ने गुजरात जोड़ने वाले को ये इतिहास लिखा है। जब लोग गुजरात आते हैं कहते हैं केम छो सबसे, हमको लगता है कि जब से हम गुजरात आए हैं एक जो मोदी मैजिक है वो कहीं ना कहीं रैलीज में रोड शो के तौर पे देखने को मिला। आपको लगता है वो एक बहुत अहम फैक्टर था कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाजपा को समर्थन दिया और इतनी भारी जीत, वो जो 1984 का आंकड़ा है वो भी पार हो रहा है? ऐसे गुजरात में आपने ये कहा कि लोग पूछते हैं कि केम छो पूछते हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि गुजरात के कोने कोने में लोगों ने आज बोल रहा कि हम सब मजामा है, मतलब हमें सब लोगों मजामा छे, सब कुछ ठीक है। गुजरात के लोगों ने आज जिस प्रकार से, आपने देखा होगा कि ये चुनाव जब से डिक्लेयर हुआ है तब से सभी विपक्षी दलों ने एक साथ होके गुजरात को, मेरे गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भारत तोड़ने वाली पूरी जो गैंग है ना, उन्होंने गुजरात को तोड़ने की कोशिश जरूर से की, उन्होंने षड्यंत्र बहुत रचे, उन्होंने ये राजनीति ये चुनाव रुपए और षड्यंत्र से लड़ी और गुजरात के लोगों ने गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये चुनाव गुजरात के प्रत्येक नागरिकों ने लड़ा है। आज गुजरात के प्रत्येक नागरिकों का विजय हुआ है और जिस प्रकार से भारत तोड़ो गैंगों को ये जो जवाब दिया है, मैं ये मान रहा हूँ कि गुजरात के नागरिकों ने जो ये इतिहास रचा है वो इतिहास ना भूतो ना भविष्य है। हर्ष भाई, एक बात तो है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे बहुत मुफ्त की बातें की, मुफ्त बाजी, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, आपको लगता है वो कहीं दूर दूर तक वो चला ही नहीं? क्योंकि आप लोग शुरू से कह रहे थे आम आदमी पार्टी है ही नहीं, हमारा कॉम्पिटिशन कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं खड़ी नहीं लग रही आप लोग के सामने जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली के जो नागरिक हैं उनकी जो मेहनत की कमाई है उसकी जो बचत थी और भ्रष्टाचारी रूप जो पैसे थे, वो दोनों पैसे गुजरात में प्रोपगंडा रूपी उपयोग जरूर से किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। पहले स्तर के जब चुनाव खत्म हुए थे वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने वो पार्टी के गुजरात के कई वरिष्ठ नेतृत्व को उन्होंने इस्तीफा दे लेने के लिए कहा था। हर्ष भाई, सब पूछ रहे हैं कि इस बार तो गृह मंत्री थे लेकिन अब जब सरकार बनेगी उसमें हर्ष भाई कौन सी अहम भूमिका में रहेंगे, कौन सा मंत्रिमंडल बने मिलेगा, सब जानने के लिए बहुत इच्छुक है। ये कह सकते हैं कि इस बार भी अहम भूमिका मिलेगी हर्ष भाई आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यही गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ, यही गलियों में कभी गिल्ली डंडा खेला है, कहीं क्रिकेट खेलते खेलते पड़ोसियों के कांच फूटे, कहीं आम के पेड़ से आम चुराए हैं। यहाँ के लोगों के साथ मेरे एक दिल के रिश्ते हैं और मैं चाहता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनूँ। भूपेंद्र भाई पटेल हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनके, भूपेंद्र भाई पटेल का सैनिक बनके गुजरात की जनता की सेवा करूं। हर्ष भाई, सब ये भी जानना चाहते हैं कि सीआर पाटिल, भूपेंद्र पटेल सब वहां पर मौजूद है गांधीनगर में, आप गांधीनगर के लिए प्रस्थान कब करेंगे? आज कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिल सकता है वहाँ पर? बस मैं कुछ ही देर में गांधीनगर जा रहा हूँ, गांधीनगर में जाऊँगा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा और सभी कार्यकर्ताओं को नमन करने जा रहा हूँ। मैंने आज मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मैंने नमन किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता क्षेत्र के लोगों के साथ सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं और यही वो कार्यकर्ता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा
सभी बूथों में विजयी दिलाई है। ये सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। हर्ष भाई, एक और बात हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन हर्ष भाई की माता जी को भी दिखाएं, क्योंकि सुबह से हमने कई बार बात करने की कोशिश की और आज होली भी खेली है। सर, ये कह सकते हैं कि आज होली के रंग में भी सराबोर है पूरा सूरत। देखिए, माता के आशीर्वाद में हमारे गुजरात के लोग माता में बड़ा विश्वास रखते हैं। एक जन्म देने वाली माता और एक माँ अम्बा। मैंने तो मेरी माता के आशीर्वाद भी लिए और माँ अम्बा के आशीर्वाद भी लिए। माता और माँ अम्बा के आशीर्वाद से आज क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का वापस अवसर मिला। आप डेडिकेट करते हैं अपनी माता जी को, हर्ष भाई? जी हाँ, मैं मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी बहनों को, मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकों को, मेरे क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को जो मुझे अपना बेटा मानते हैं, मेरे क्षेत्र के सभी युवा जो मुझे अपना दोस्त मानते हैं, मेरे क्षेत्र की सभी बहनें जो मुझे अपना भाई मानते हैं, वो सभी को मैं अपनी जीत देता हूं। और ख़ास तौर पे ये जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की है। ये जीत मोदी जी की राजनीति का नया मॉडल की है, जहां पे जाति पाति की राजनीति खत्म होके विकास के मॉडल की राजनीति की ये जीत है। थैंक यू सर। एंड ऐश्वर्या दीप्ति, दिस इज हर्ष सांघवी हु स्पोक टू रिपब्लिक एक्सक्लूसिवली। दिस इज द थर्ड टाइम ही स्पोक टू अस एंड क्लियरली डेडिकेटेड हिज विन टू हिज मदर, वाइफ एंड द एंटायर फैमिली मेंबर्स।